नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। ये देख सकते हैं आप हमारे सामने जो फिश है, इसका नाम है ग्रीन टेरर। ये सिकलेट वैरायटी की फ़िश होती है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हम 2 फीट के टैंक में कौन सी फ़िश रख सकते हैं। तो अगर आप एग्रेसिव वैरायटी थोड़ा सा चाह रहे हैं, एग्रेसिव मीन्स हार्ड वैरायटी जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो। दूसरी बात, इन लोगों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि आप कोई कार फिश लेंगे, इस फिश का मैक्सिमम साइज़ जो है 1 हाथ जितना हो जाएगा, यानी कि 6x6 इंच, यानी 5 to 6 inches का इनका साइज़ होता है। बाकी इस फिश के लिए आपको 2 फिट का टैंक चाहिए, कोई भी फ़िल्टर आप लगा लीजिए। बाकी इसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है। और जो लोग पूछते हैं कि हम पैरट फिश के साथ कौन सी रख सकते हैं, तो इसका नाम ग्रीन टेरर है। आप इसको पैरट के साथ रख सकते हैं, ऑस्कर के साथ, रेड स्पॉटेड शिवरम, शिवरम शार्क, सिल्वर शार्क, रेड टेल शार्क, सिकलेट और बहुत तरह की वैरायटी, एल्बिनो डिम्पल, नॉर्मल टिन फॉयल बार, उनके साथ भी आप इनको आराम से रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा केयर इसमें आप लोगों को नहीं करनी। नॉर्मली बस आप एक टैंक लीजिए, उसके अंदर फिश डालिए, रेगुलर इनको 2 टाइम फीड कीजिए। और फिशेज़ के मुकाबले अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि एकदम से थोड़ा सा पानी चेंज करा तो मर जाएगी, या थोड़ा सा अगर वेदर में चेंज आया तो एकदम मर जाएगी। तो बहुत ही अच्छी फिश है। जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग इस फिश को ज़रूर ट्राई करें। ग्रीन टेरर इसको हम लोग बोलते हैं। बाकी एक बार मैं आपको इसको फीडिंग करके भी दिखाता हूँ। हम लोगों ने इसमें फीडिंग डाल दी है, ये आप देख सकते हैं फीडिंग भी कितना एक्टिवली कर रही है। एक मछली का जो एक्वेरियम हॉबी में सबसे बेस्ट टाइम होता है कि जब वो फीडिंग हम लोग उसको करते हैं, लेकिन इस चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं, बार बार 2-2, 3-3, 4-4 बार फीडिंग करते हैं, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है और मछली भी मरने का, उनको एक्चुअली मरने का क्या होता है, ओवर फीडिंग से मछली मरती कैसे है, वो बहुत सारा खा लेगी, तो ओवर फीडिंग की वजह से उसको डाइजेस्ट होना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। बस फिर धीरे धीरे आपकी मछली लेटना शुरू कर देगी, बैठना शुरू कर देगी और आने वाले कुछ टाइम में आपकी मछली मर जाएगी। तो इसलिए जब भी आप ग्रीन टेरर फिश, इसका नाम, आप अगर कोई नई फिश रखना चाहते हैं कि गोल्ड हम रखते हैं भैया रोज़ मरती है, रोज़ दिक्कत आती है, तो ग्रीन टेरर फिश आप रखिए। जब भी कभी आपको इसका पानी चेंज करना हो तो 50% पानी चेंज कर दीजिए। और इनके साथ आप ऑस्कर फिश भी रख सकते हैं। बात रही इसकी प्राइसिंग की, जो रेगुलर प्राइसिंग इसका होता है फिंगर साइज फिश का, नियर अबाउट 280 रुपये पेयर, 380 रुपये पेयर, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड साइज़। तो आप इस फिश को रख सकते हैं और बहुत अच्छी फिश है। ग्रीन टेरर 2 फिट के टैंक में आराम से चल जाएगी। कोई भी 15 वॉट का आप इसके अंदर फिल्टर लगा लीजिए और पानी जब भी चेंज करना हो आधा चेंज करिए, सर्दियों में हीटर लगा दीजिए। और इनके साथ आप ऑस्कर, पैरट, सिकलेट्स और इनके साथ बहुत तरह की हार्ड वैरायटियां आप रख सकते हैं। रेड स्पॉटेड शिवरम भी रख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, बाकी शार्क हर तरह की रख सकते हैं, सिल्वर शार्क, ज्वेल, नियॉन अकारा और मोनो एंजल्स आप रख सकते हैं इनके साथ। तो बहुत अच्छी फिश है ग्रीन टेरर। जो लोग बिगनर हैं वो इसको ज़रूर ट्राई करें। और 2 फिट के टैंक आपके लिए बहुत है। 2 फिट के टैंक में कुछ लोग पूछेंगे कितनी फिश आएगी, तो 2 फिट के टैंक में आप लोग आराम से 8-10-15 पीस रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग आपको फ़िल्टर दिखाएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।